नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में है और ये जिला इसलिए फिर से सुर्खियों में आया है क्योंकि यहां से महिला अपराध से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले यहां पर गैंगरेप का मामला सामने आया था जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सरकार तक की जमकर भद्दपिटी थी और सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस मामले से हम सबक लेंगे और ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन एक बार फिर यहां पर एक बेटी के पिता को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि उस बेटी के पिता ने छेड़खानी का विरोध करते हुए आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने एक पोस्ट शेयर की थी सोशल मीडिया पर और बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। लेकिन इस मामले ने अब सियासी मोड ले लिया है और सियासी एंगल लेते ही इस मामले पर कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। पंखुड़ी पाठक वही कांग्रेस नेता हैं जो कुछ वक्त पहले तक समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करती थी लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का साथ कर लिया और पंखुड़ी पाठक अखिलेश यादव की बेहद भरोसेमंद लोगों में शामिल हुआ करती थी लेकिन पता नहीं किस बात पर इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने एक पोस्ट शेयर किया है फेसबुक पर और उस पर जो कुछ लिखा है वो बेहद चौंकाने वाला है। सबसे पहले तो हाथरस में जो ये हत्याकांड हुआ है इस मामले को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को सवालों में खड़ा किया है और आरोपी को समाजवादी पार्टी का नेता बताया है। और पंखुड़ी पाठक ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है हम आपको बताते हैं। पंखुड़ी पाठक ने लिखा कि हाथरस में एक बच्ची के किसान पिता को छेड़छाड़ रोकने का विरोध करने पर गोलियों से भून डालने वाला अपराधी समाजवादी पार्टी का नेता निकला। जितनी शर्मनाक हालत उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की है उतनी ही शर्मनाक हालत समाजवादी पार्टी की है जिसमें महिला विरोधी असामाजिक लोगों को शह और बढ़ावा दिया जाता है। छेड़छाड़ के आरोपियों और जेल जा चुके अपराधियों को कोई भी राजनीतिक दल किस आधार पर पार्टी में रखे रह सकता है ? पंखुड़ी पाठक ने इस मामले को लेकर सीधे सीधे आरोपी को समाजवादी पार्टी से जोड़ा है और समाजवादी पार्टी से जोड़ने के साथ ही उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए शख्स को कोई भी राजनीतिक दल अपने साथ कैसे रख सकता है। साथ ही कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए पंखुड़ी पाठक ने समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा और कहा कि जितनी बुरी हालत उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की है उससे कहीं ज्यादा बुरी हालत समाजवादी पार्टी की है क्योंकि यहां पर महिला अपराधों से जुड़े लोगों को शह और बढ़ावा दिया जाता है। पंखुड़ी पाठक की इस पोस्ट में वो दर्द साफ झलक रहा है जो कुछ दिन पहले तक वो सोशल मीडिया पर झेल रही थी क्योंकि कथित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने पंखुड़ी पाठक को लेकर कई आपत्तिजनक बातें कही थी सोशल मीडिया पर और कई आपत्तिजनक बातों के साथ साथ गाली गलौज भी किया था जिसके बाद पंखुड़ी पाठक ने मामले पर शिकायत दर्ज करवाई और उस शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। अनिल यादव ने जब इन बातों को देखा था पढ़ा था उसके बाद उन्होंने भी आपत्ति जताई थी और बाद में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हाथरस मामले को समाजवादी पार्टी से जोड़कर पंखुड़ी पाठक ने एक नया एंगल दे दिया है और इसके बाद से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही है। पंखुड़ी पाठक की तरफ से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया है और बीजेपी का कहना है कि पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी की नेता रह चुकी हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की मनोवृत्ति क्या है और वो इसीलिए इस बात को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। पंखुड़ी पाठक की पोस्ट बीजेपी के लिए एक हथियार के तौर पर साबित हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से मामले पर बयान दिया जा रहा है और वो इस बयान का खंडन कर रहे हैं, साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने भी पीड़ित लड़की का वीडियो शेयर करते हुए इंसाफ की मांग की है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ की मांग की है। अब देखना यह है कि इस मामले में जांच में निकलकर क्या सामने आता है, क्या पंखुड़ी पाठक ने जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं उन आरोपों को आधार मानकर पुलिस जांच करते हुए आरोपी के बारे में सही जांच करेगी। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सामने आकर बयान देना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या आरोपी वाकई उनकी पार्टी से जुड़ा है। अगर हाँ तो उसके खिलाफ भी उन्हें एक्शन लेना चाहिए और उसे पार्टी से बाहर करना चाहिए क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में अगर कोई संलिप्त है तो वो पार्टी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि पार्टी में कई महिला नेताएं हैं और इसके अलावा कई महिला कार्यकर्ता भी पार्टी के साथ जुड़ी हैं और अखिलेश यादव को इस पर नजीर पेश करनी चाहिए अगर आरोपी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आप पंखुड़ी पाठक के आरोपों से कितना इत्तफाक रखते हैं? क्या पंखुड़ी पाठक जो कह रही हैं वो सही है और क्या पंखुड़ी पाठक ने समाजवादी पार्टी को लेकर जो सवाल उठाए हैं
वो सही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर जो उन्होंने तंज कसा है उस पर आप कितने सहमत हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।